कल हमारे लड़के का बरछा था गाँव पर, सब मेरे गाँव हाथ चौपाकूट पड़ता है, सब लोग गांव गए थे, लेकिन रात में हम लोग आके रुके थे, हम हमारे लड़के और बच्चे थे। सुबह यहाँ से 9:15 बजे फिर गांव गए हैं, क्योंकि सारे रिश्तेदार वहाँ रुके हुए हैं और कल सगाई का कार्यक्रम था। 9:15 बजे निकले हैं, फिर 2:30 बजे 2:45 बजे लगभग आए हैं, तो मेन गेट पर ताला लगा था। जब ताला खोल कर अंदर गए तो अंदर वाला ताला खुला हुआ था, फिर उसके अंदर गए सारा ताला खुला हुआ था, सब टूटा हुआ था, घर के अंदर से अलमारी टूटी हुई थी। उसको जब देखा गया तो हमारी सरकारी, हमारी जो व्यक्तिगत पिस्टल थी और सब बच्चे की सगाई में सब आभूषण था और जो था कैश था हमारा जो है रखे थे, सब गायब मिला। कितने का चोरी हुआ? 3.5 लाख था, लगभग 4.25 लाख रखे थे, तो कुछ उसमें अपना जो है हाँ आभूषण कितने का? आभूषण कितने का? अब उसका क्या आकलन करें, सब लिख करके दे दिए उनको जो है टोटल जो है आभूषण। किसी पर संदेह? अब किसको हम बताएं, जो हम उसको जानते ही नहीं, इस मोहल्ले में जिस तरह की पली घटना घटी है वो भी दिन में जो है, तो किस पर शक किया जाए। ठीक, ये थाना क्षेत्र कोतवाली है, निजामुद्दीनपुरा मोहल्ला है, इसमें संतोष राय जी के यहाँ शादी पड़ी हुई थी, इनके एक और भी रिश्तेदार के यहाँ शादी पड़ी हुई थी, तो ये दिन में 9 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक यहाँ पूरे परिवार के साथ नहीं थे, इनके घर में ताला बंद था। इसी दौरान इनके घर में चोरी हुई है, जिसमें इनकी पर्सनल पिस्टल भी गायब है और इनके घर के जो सामान थे, आभूषण था, अब शादी का समय है तो कुछ आभूषण भी खरीद के रखे हुए थे, वो सब भी गए हैं, कैश भी गया है। ये घटना हुई है, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और हम लोग CCTV फुटेज लिए हैं जी। उस पर काम हो रहा है, VTS भी उठाए गए हैं, काम हो रहा है, होपफुली ये बहुत जल्दी वर्कआउट हो जाएगी। कितने लाख की कुल चोरी हुई है? अब लाख का असेसमेंट तो FIR में, जो ये FIR के साथ देंगे, सामानों की लिस्ट देंगे, उसी पर डिसाइड किया जाएगा, लेकिन चोरी हुई है अच्छी, मतलब गहने भी गए। नहीं, अभी इन्होंने किसी पे संदेह नहीं। लिख देगा आप।